सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से देश में नया विवाद खड़ा हो गया है। स्टालिन के बाद दो और नेताओं ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी से की है। डीएमके नेताओं के विवादित बयान का एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने विरोध किया है। असीम वकार ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, सनातन से या हिंदू धर्म से नहीं। वकार ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन गलत बयान देकर बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन को साउथ इंडिया की जमीन पर बीजेपी को पांव जमाने का मौका नहीं देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, इसलिए असीम वकार ने कहा कि जरूरी नहीं कि किसी मुख्यमंत्री का बेटा अक्लमंद ही हो। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया है सनातन पर, मैं उस बयान का पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ। धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई राजनीति की है, चुनाव की है, इसको धर्म की लड़ाई ना बनाया जाए। उदयनिधि स्टालिन का बयान टीवी पे चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि एक मुख्यमंत्री का अगर लड़का है तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अकलमंद ही होगा। मैं उदयनिधि स्टालिन साहब को ये मशवरा दे रहा हूँ कि साउथ की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को पांव जमाने का मौका मत दीजिए। और मैं सभी नेताओं से कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जातियों की हो सकती है, पार्टियों की हो सकती है, अधिकारों की हो सकती है, लेकिन हमारे देश में धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती है। धर्म की लड़ाई जो लोग शुरू कर रहे हैं और ख़ास करके जो सनातन पे या हिंदुत्व पे हमला कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि उदयनिधि स्टालिन साहब अपने बयान को वापस लीजिए और सभी लोग ये कसम खाइए कि बीजेपी की पिच पर नहीं खेलेंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मैं इस तरह के किसी भी बयान का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान के राजनीतिक असर को पहले ही भाप लिया है, क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया जाता है उससे बीजेपी को सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष के तमाम दलों पर हिंदुत्व का विरोध और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। अगर उदयनिधि स्टालिन और ए राजा जैसे नेता हिंदू धर्म के विरोध में बयान देंगे तो बीजेपी के इस दावे पर मुहर लग जाएगी और 2024 का चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे की ओर चला जाएगा, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बीजेपी को हराया जा सकता। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ये करिश्मा करके दिखाया है, इसलिए विपक्ष को धार्मिक मुद्दों की बजाय आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।